हेलो बच्चों, अब हमारा जो नया वीडियो आ रहा है फादर कामिल बुल्गे का, जो अभी हमने हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको, क्योंकि फादर एक दो बार ही बेल्जियम गए अपने परिवार से मिलने के लिए। इसके आगे अब हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। ये पेज नंबर 86 से पैराग्राफ नंबर 3, आप सब छोड़कर क्यों चले आए, प्रभु की इच्छा थी। लेखक फिर, चूँकि लेखक के मन में जिज्ञासा है, क्योंकि इंजीनियर के छात्र में ये परिवर्तन क्यों हुआ, ये लेखक के मन में, हमने आपको पहले अभी जो पहले हमारी वीडियो था उसमें बताया था कि जिज्ञासा जानना चाहता है। तो लेखक ये सभी क्वेश्चन, जब तक उसके अंदर की जो बातें हैं तब तक शांत नहीं हो जाती, सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक लेखक फादर कामिल बुल्गे से प्रश्न करता है। वो पूछता है, आप सब छोड़कर क्यों चले आए हैं। फादर का आंसर देखिए, प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। अपने जवाब पर फादर ऐसा नहीं है कि बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि वो मैं तो भगवान की, ये ऐसा वो नहीं है, बहुत साधारण सा लेकिन सारगर्भित जवाब देते हैं, प्रभु की इच्छा थी। ठीक है, और वो एक और छोटा सा इंसिडेंट शेयर करते हुए लेखक के साथ बोलते हैं, वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मेरे बारे में शुरू से ही बोल दिया था, घोषित कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि ये लड़का हाथ से चला जाएगा। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्गे सन्यासी हो गए। जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, संन्यास लेते वक्त एक शर्त रखी जाती है, और वो बता, मतलब सर जो संन्यास लेता है वो एक शर्त रख सकता है, वो सर मतलब उस क्या उसे करना है इस बात को वो अपने हिसाब से शर्त के अनुसार उसकी पूरा करता है। तो उन्होंने कहा था कि मैं भारत जाना चाहूँगा। ये जो बात होती है, मतलब एक शर्त रख होती है कि आप एक बात अपनी मनवा सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो लेखक कहते हैं कि फादर कामिल बुल्गे ने अपने अनुसार, अपने भावनाओं के अनुसार, वो इन्होंने कहा था कि मैं फादर बनना चाहता हूँ, मैं फादर बनकर मतलब भारत में संन्यास लेकर भारत में रहना चाहता हूँ, ये उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। ठीक है, तो लेखक फिर पकड़ लेता है फादर कामिल बुल्गे को, फिर क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं, पूछता है भारत जाने की बात क्यों उठी। आंसर देते हैं फादर, नहीं जानता, बस मन में था, उनकी शर्त मान ली गई। लेखक जानना चाहता है कि फादर को भारत आने का उद्देश्य क्या था, लेकिन फादर कामिल बुल्गे इस बात को कहते हैं कि मन में थी ये बात मेरे कि मैं इंडिया आऊँ, तो मैंने अपने मन की बात मान ली, और मेरी शर्त भी लोगों ने, वहाँ का जो फादर बनने के जो भी लोग होंगे, जो भी सिस्टम उनका होता है, उन लोगों ने भी उनकी इस शर्त को सहर स्वीकार कर लिया, और फादर बनने के लिए के बाद उन्हें, मतलब फादर के बनने के लिए उन्हें इंडिया भेज दिया भाई, कि आप अपने हिसाब से यहाँ अपने कर सकते हैं। ठीक है, पहले जी सर संघ में 2 साल पादरी के 20 धर्माचार की पढ़ाई की। अब वो जब इंडिया आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या किया, स्टार्टिंग कहाँ से की, तो बताते हैं जी सर संघ, सबसे पहले वो जी सर संघ में आए और उन्होंने वहाँ पर जाकर धर्माचार, यानी कि धर्म से रिलेटेड जो फादर्स को शिक्षा दी जाती है, धर्मगुरु बनाते वक्त जो धर्मगुरु बनने के लिए उपयुक्त शिक्षा होती है, वो 2 साल का कोर्स उन्होंने वहाँ पर धर्माचार की पढ़ाई वहाँ पर के, फिर उन्होंने 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहे। ठीक है, फिर दार्जिलिंग गए, जी सेट संघ की पढ़ाई के बाद वो दार्जिलिंग गए, कोलकाता भी में से उन्होंने क्या किया, बीए किया, और फिर इलाहाबाद से एमए किया। ठीक है, उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया रामकथा उत्पत्ति और विकास। फिर वो बताते हैं कि फादर कामिल बुल्गे ने कैसा, फादर कामिल बुल्गे जो कि अब कहाँ पे, इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया था, फिर उन दिनों वहाँ पर कोलकाता से, देखो कोलकाता से बीए, इलाहाबाद से एमए करने के बाद उन्हें जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी मिले, उस विभाग के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, और शोध प्रबंध का काम प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी से किया, विद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर 1950 में शोध प्रबंधन का कार्य उन्होंने पूरा किया, और उसका नाम था रामकथा उत्पत्ति और विकास। ठीक है, परिमल में उनके अध्याय
पड़े गए थे। परिमल जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, परिमल एक कवि मतलब जो उस टाइम पे फादर उस ग्रुप के हेड थे, परिमल एक ग्रुप था जिसमें कवि सभी कवि आपस में इकट्ठे होकर चर्चा परिचर्चा गोष्ठियाँ आदि सब चीज़ें किया करते थे। और वो बताता है कि परिमल में जो राम कथा उत्पत्ति और विकास का जो फादर कामिल बुल्के ने लिखा था उसको पढ़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा भी फादर ने कई और बुकें लिखी, उनके नाम हम आपको आगे बताएंगे। फादर ने मतलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया नीलपंछी के नाम से। ठीक है, बाद में हुआ है सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया। देखिए फिर इन्होंने एक और जो नाटक है मातृलिंग का प्रसिद्ध नाटक है ब्लू वर्ड, ब्लू वर्ड का हिंदी रूपांतरण नील पंछी के रूप में किया, जिससे कि वो एक्चुअली आपको आगे बताएगा कि फादर कामिल बुल्के का हिंदी से विशेष लगाव था। हिंदी जो उनका जो आज हमारी भाषा है, अभी तो खैर मातृभाषा नहीं हुई है, इसके लिए हमारी हिंदी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन क्या है कि इस भाषा के प्रति उनका प्रेम, तो उन्होंने जो ब्लू बर्ड मातृलिंग का ब्लू बर्ड था उन्होंने उसका हिंदी रूपांतरण किया, हिंदी में अनुवाद किया। इसके अलावा उन्होंने और भी कई बुकें लिखी। ठीक है, और फिर आगे चल के बाद में वह सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हुए। रांची में जाकर रांची के कॉलेज में हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष के पद पर आसीन हो गए। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया, इंग्लिश और हिंदी की मतलब डिक्शनरी शब्दकोश तैयार किया, अंग्रेजी और हिंदी का शब्दकोश तैयार किया। ठीक है, बाइबल का अनुवाद भी और वहीं किया और बाइबल का अनुवाद भी और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। देखिए लेखक कहता है कि हमारे यहाँ फादर कामिल बुल्के लगभग 47 साल रहे और उनकी लाइफ मतलब उनकी जो जिंदगी 73 साल के फादर मतलब कामिल बुल्के हमारे उम्र के 73 वर्ष ये हो गए थे हमारे इंडिया में रहते रहते, टोटल 47 साल रहे यहाँ पे। ठीक, तो ये उन्होंने और वो कहाँ पे बीमार पड़ गए थे, कहाँ पे, पटना में, याद रखिएगा इस प्लेस को, पटना में जाकर फादर बीमार पड़ गए थे। ठीक है, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, इस बारे में हमें फिर से आपको समझाना पड़ेगा। देखिए बेटा आप इस बात को समझिएगा कि सन्यासी सिर्फ गेरुए वस्त्र पहनने वाला नहीं होता, हिमालय पर रहने वाला, घर परिवार को छोड़ने वाला व्यक्ति ये सन्यासी नहीं है। सही सन्यासी वो व्यक्ति होता है जो लोगों के बीच रहकर अपने आचरण को नियम संयम और मानवीयता के पहलुओं को अपने दिल में सर्वोपरि जो जगह देता है, शायद इसे सही सन्यासी कहते हैं। और यही गुण जो साधुत्य का गुण था वो फादर कामिल बुल्के में था। ठीक है, तो जब हम अपना नया चैप्टर पेज नंबर 87 से शुरू करेंगे, तब तक पढ़ते रहिएगा बेटा, घर में रहिएगा। ठीक है, बाय बच्चों, बाय बाय।